माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि इसे लागू करना न्यायालय की अवमानना होगी और इसलिए इनके द्वारा ऐसी नीति लागू किया गया है, ऐसी योजना बनाई गई जो लागू हो ही नहीं सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री 23 मार्च 2022 बजट सेशन में उन्होंने खुद कहा और आप सभी प्रेस दीर्घा में रहे होंगे, जिसमें उन्होंने कहा यदि आप कानून के जानकार हैं तो खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा तो कोर्ट उसे तुरंत खत्म कर देगा। ये हाउस का प्रोसीडिंग का पार्ट है और जो सदन में उन्होंने कहा वो मैं भी आपको सुना रहा हूँ। लोगों को, अपने समर्थक लोगों को सड़कों पर उतार दिया, हथियार आधारित नियोजन नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, हथियार के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सबने सुना अभी मुख्यमंत्री जी का बयान और वो बयान इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में की थी। इसके साथ साथ उस संलेख को देखे किस तरह यहाँ के लोगों को धोखा दे रहा, किस तरह भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा कि 1932 की स्थानीय नीति तभी लागू होगा जब संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित होगा, यानी जब तक संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं होगा ये लागू नहीं होगा और 9वीं अनुसूची में कभी भी लागू होने का संभव नहीं है क्योंकि ये विधि सम्मत नहीं है और ये बात अच्छी तरह मुख्यमंत्री जी जानते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये 9वीं अनुसूची के संदर्भ में ही स्थानीयता का मामला हो या आरक्षण का मामला या राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला है, जब मैं भी स्थानीय नीति 2016 में बनाया था तो हमने 30 वर्ष से जो झारखंड में रह रहे जो 85 कटट डेट और उसमें और शर्त थे, जो झारखंड में जन्म लिए हैं जिसके पास खतियान है वो कॉपी आपको हम लोग दे देंगे और नियोजन नीति से हमने जोड़ा और 4 वर्ष आपने देखा हमारी 85 की जो कटअप डेट पर कोई विवाद नहीं हुआ, कोई मामला कोर्ट कचहरी नहीं गया क्योंकि हमारी सरकार का मान्यता था और भारतीय जनता पार्टी की एक घोषणा पत्र में था हमारी सरकार बनेगी तो झारखंड में रहने वाले यहाँ के बच्चे बच्चियों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए और हमने उसे लागू किया था। और शेड्यूल जरिया में आपको पता होगा कि 10 वर्ष के लिए 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के उस जिले के निवासियों को प्राथमिकता मिलेगा और आपको ये भी पता होगा पलामू के एक सोनी कुमार लड़की ने केस की थी और वहाँ कोर्ट में ये जो वर्तमान सरकार है जहाँ स्थानीय के बच्चे बच्चियों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी मिल रही थी उसको उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने गलत बनाया और हाईकोर्ट ने फिर रद्द किया। तो हाईकोर्ट का निर्णय में ये झारखंड सरकार के कारण ही जो नियोजन नीति में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में बीजेपी जो यहाँ के निवासियों का हक बनता है वो बीजेपी ने दिलाया था उसको रद्द कराने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने की है। और मैं मानता हूँ कि डेली ये लोग
बयान वीर मंत्री मुख्यमंत्री डेली पेपर में इतना हजार नियुक्ति होगी, इतना हजार नियुक्ति होगी, इतना हजार नियुक्ति होगी, और नियुक्ति नहीं होने जा रही। सिर्फ लोगों को झांसा देने का काम ये सरकार कर रही है और सारे मामले को ये सरकार स्थानीय नीति के मामले में इसको उलझाना, लटकाना और भटकाने के नियत से ही ये स्थानीय नीति बनाने का काम ये सरकार ने की है।